Subscribe and hit the bell icon to never miss an update from eTimes TV. एक घरेलू मिडिल क्लास ओल्ड कपल की कहानी है, उनके सुख, उनके दुख, उनके सरोकार, उनकी खुशियाँ, उनकी चिड़चिड़ाहट, उनकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी, और कभी उनके आसपास उनकी ज़िंदगी में कुछ कोई घटना हो जाती है तो उसको लेकर दोनों के अपने अपने रिएक्शंस, आपस की चिक चिक लगातार, फिर भी साथ, टेकन फॉर ग्रांटेड जीवन को साथ साथ, उस तरह का कुछ है, काफ़ी रियलिस्टिक है, बहुत ज़िंदगी से जुड़ा हुआ है, और हर घर में हर आदमी की जिस तरह से जीवन वो देख रहा है, बच्चा है, बड़ा है, बूढ़ा है, मुझे लगता है वो सब के सब काफ़ी हद तक इससे आइडेंटिफाई करेंगे, कर पाएंगे, क्योंकि हम कर पा रहे हैं। जनरेशंस भी है ना, जी, जनरेशन तो है ही है, तो वो इसकी स्पेशलिटी, विशेषता है। अभी सर ने बताया ना कि सबसे बड़ी बात ये है कि ये बहुत लाइफ से जुड़ा हुआ है, आर्टिफिशियल कम है, और ये शो रियल बुज़ुर्ग कपल, रिटायर्ड कपल के ऊपर है, जिनके लाइफ में एक भूचाल आता है, किसी लाइफ में कुछ एक फ्रेश एनर्जी आती है, जिसकी वजह से उनको थमना पड़ता है, सोचना पड़ता है, रीथिंक करना पड़ता है, और उसकी स्टोरी की लेयरिंग है कि कैसे ये लोग अपना चले जा रहे थे अपने जीवन पे, पर कुछ नई चीज़ आई, उसमें उथल पुथल हुई, और फिर स्टोरी की लेयर्स बनती, और बहुत कुछ चीज़ें, फिर जैसे एक नाली को अपन साफ करते सो कैसे ऊपर आता है सब कुछ, तो बहुत कुछ चीज़ें ऊपर आती उनके लाइव्स में, उनके अंदर क्या चल रहा है वो सब बाहर आता है, हम लोग बहुत कुछ दबा देते हैं वो बाहर आता है, तो स्टोरीज़ की बहुत लेयरिंग है, बहुत मनोवैज्ञानिक चीज़ें भी हैं, बहुत आम जीवन के ऊपर स्टोरीज़ है, बहुत रियल रिलेशनशिप्स के ऊपर है, रियल डिटेल्स जो होती है ना जीवन की, छोटी छोटी, तो ये डिफरेंट है दूसरे शो से, संवेदनशीलता, हाँ जी, बहुत संवेदनशील तरीके से लिखा गया है और डील किया गया है, और कैरेक्टर्स होते ही हैं, हम सब ह्यूमन बींग्स अंदर से बहुत बहुत सेंसिटिव होते हैं, यहाँ उसी उन्हीं सेंसिबिलिटीज को, उन संवेदनाओं को पकड़ने की कोशिश की है जो ज्यादातर सीरियल में नहीं होता, वो इसको अलग बनाता है, बहुत अलग बनाता है, थोड़ा डीप जाने की कोशिश, डीप डाइविंग होती है ना किसी चीज की, आप सतह भी स्विम कर सकते हो, पर आप डीप डाइविंग कर रहे हो, तो हमारे शो में जो राइटर है रजिता जी, उनकी जो खासियत है सर, और हम लोग अक्सर बात करते हैं कि गहराई में गया, डीप डाइव्ड इनटू द एसेंस ऑफ कैरेक्टराइजेशन, सिचुएशन, रियलिटी, जो जी जी ये डिफरेंट सरोकार हैं इंसान के, सबसे पहले कि ये तो हमारे घरों में नॉर्थ इंडिया में ऐसे ही पहनते हैं, चूड़ी, बिंदी, नथनी, सिंदूर, और ये जो औरत है वो बहुत प्राउड वाइफ है, शी इज़ मैरिड टू अ चीफ इंजीनियर, सरकारी इंजीनियर, तो एक बनारस शहर में एक मिडिल क्लास औरत के लिए बहुत बड़ी, बहुत गर्व की बात होती है, तो इसीलिए वो गर्व अपना दिखाती है, ये सिंपल है, इसमें बहुत जेवर नहीं है, पर ये जो है उनका, इनका सुख है, ये लेडी का ये सुख है कि वो अपने पति, अभी भी पत्नी है, तो बहुत सिंपल है, ये जो है पहने हैं ये रियल लाइफ में पहनते हैं, तो ये भी सिंपल है, क्योंकि हम लोग सिंपल और रियल कैरेक्टर्स प्ले कर रहे हैं, आप देखने पर मजबूर हो जाएंगे, इसलिए देखें वरना मत देखिए, और हमें मालूम है, क्योंकि वो जिस तरह से भी आपने पूछा कि कपड़े इतने सिंपल, ये सिंपलिसिटी तो हमें अलग बनाती है, इसीलिए तो आप हमसे जुड़ते हैं, हम आपसे जुड़ते हैं, वरना जो ऊपर ऊपर से दिखाया जाता है कि सब कुछ एकदम अप टू डेट तैयार होकर के बिस्तर में भी घुस जाते हैं कैरेक्टर्स हमारे, औरतें मतलब कुछ भी क्या पहनते हैं, क्या उनके जीवन से कुछ जुड़ाव, ये उसको अलग करता है, और यही आपको हमसे जोड़ेगा, और सबसे बड़ी बात ये है इसमें गुप्ता जी, आप भी मानेंगे कि इंटरजेनरेशनल स्टोरी है ना, तो हम ऑडियंस को ये बताना चाहेंगे कि जो इस एज में जो हम लोगों को कट ऑफ कर देते हैं कि 70 प्लस अभी भजन कीर्तन करो, अभी आपका ख़त्म लाइफ, ये शो में ये दिखाते हैं कि ये नहीं है, हमारी ऑनगोइंग जर्नी होती है 70, 80, 90, और यंग लोगों को ओल्ड लोगों के साथ क्या रिलेशनशिप रखना चाहिए, और ओल्ड लोगों को यंग लोगों के साथ क्या रिलेशनशिप, हाउ विल यू चेंज योर वर्ल्ड व्यू, योर थिंकिंग,
ऐसा नहीं है कि बड़े हो गए तो वो साइड में रहो, छोटे हो गए तो लेटेस्ट। अब तो लेटेस्ट यही है ना कि लाइफ एक्चुअली स्टार्ट्स आफ्टर 60। वो हमें दिखा रहे हैं और पहली बार दिखाया जा रहा है और बड़ा लीपा पोती करके नहीं, उसकी डिटेल्स में दिखाया जा रहा है और जर्नी दिखाई जा रही है कि कैसे हम लोग भी इस उम्र में आके सीख सकते हैं यंगर जनरेशन से और यंगर जनरेशन हमको नजरअंदाज ना करके हमसे क्या सीखे। सो इट ऑडियंस के लिए एक बड़ी सीख है, बहुत सोशली इंपॉर्टेंट बन जाता है। हमने पूरा इग्नोर किया हुआ है 40 साल के ऊपर की जिंदगी को, जैसे वो जिंदगी होती नहीं, जिंदगी सिर्फ बचपन का खेलना है और वो तो कब गुजर जाती है पता ही नहीं चलता, असली जिंदगी तो शुरू ही बाद में होती है। थैंक यू जी, थैंक यू।